नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में आरोपी अधिवक्ता को कोर्ट में पेशी के दौरान हथकड़ी लगाकर पुलिस के द्वारा ले जाने का विरोध अधिवक्ताओं ने किया और मुख्य सड़क पर पुलिस वालों को घेरकर आधे घंटे तक जमकर पुलिस अधिकारी के साथ बहस की और आरोपी अधिवक्ता का हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल ईशा कचक थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार झा पर पड़ोस के ही एक नाबालिग बच्ची ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपी की आज पेशी पोक्सो कोर्ट में थी, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी कोर्ट जाने के क्रम में आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले जा रहे थे। वहीं अधिवक्ताओं ने जब आरोपी अधिवक्ता के हाथ में हथकड़ी देखी, तब व्यवहार न्यायालय के सामने वाली सड़क पर पुलिस वालों को रोक लिया और उनके साथ जमकर बहस की और आरोपी अधिवक्ता के हाथ से हथकड़ी खुलवाकर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपी अधिवक्ताओं को हथकड़ी लगाने का नियम नहीं है, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने आरोपी अधिवक्ता को हथकड़ी लगाई है, जिसकी शिकायत उन लोगों ने कोर्ट से की है। किस चीज का विरोध कर रहे थे आप लोग, क्या मैंने मामला था? मामला था कि एक अधिवक्ता को हथकड़ी लेके कोर्ट लाया गया था, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। तत्काल हथकड़ी खोला गया और इसकी जानकारी माननीय न्यायालय को जब दिए तो SHO ईशा कचक को बुलाया गया है और कहा गया है कि स्पेशल गाड़ी से इनको यहाँ लाया जाए, अपराधी की तरह ट्रीट ना किया जाए। क्या मामला था इनसे, क्या हुआ था? मामला एक पड़ोसी ने एक झूठा आरोप लगाया है। क्या किया? छेड़खानी का। बच्चा एक था 12 साल का, उसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। केस दोनों तरफ आपसी विवाद हुआ है। क्या नाम है? राजीव कुमार झा। आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार सोनू हुआ। भागलपुर सिटी से नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट, R9 भारत। भागलपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर आज से जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिटी DSP सहित नगर निगम के अधिकारियों, भारी संख्या में पुलिस बल और JCB के साथ अतिक्रमण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत लोहिया पुल के नीचे से की गई, जो स्टेशन चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क पर लगी कई दुकान के सामानों को JCB से उठाकर ट्रैक्टर पर लोड कर निगम ले जाया गया। वहीं कई दुकानदारों से फाइन भी वसूले गए। ये अभियान सप्ताह में 4 दिन चलेगा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दोबारा दुकान लगाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शुरू की गई है, कब तक ये अभियान चलेगा? देखिए, ये निरंतर ही अभियान चलेगी। अब हम लोगों ने, हमने और SDPO साहब ने, मतलब हमारे सीनियर सर के निर्देश पे, हम लोगों ने सप्ताह में 4 दिन, कम से कम 4 दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है और आज और कल, जैसे कि अन्य फिर जो भी रूट्स हैं उस पर हटाई जाएंगी और फिर अगले सप्ताह से लगातार 4 दिन, अगर वैसी कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं रहेगी, कोई अन्य जगह नहीं होती है, तो नॉर्मल तरीके से सप्ताह में 4 दिन कम से कम अतिक्रमण हटाया जाएगा। स्टेशन पे हम लोग का विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि सभी शहरवासी 2-3 दिन 5 दिन 10 दिन में एक बार वो स्टेशन या इसके आसपास आते हैं और यहाँ पे जाम की समस्या थोड़ी बनी रहती है, तो इसलिए हम लोग का विशेष फोकस रहेगा स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र, मार्केट का क्षेत्र हो गया, खलीफा बाग का क्षेत्र और तिलका माझी और जो भी अन्य जगह जहाँ जहाँ जाम की समस्या आ रही है अतिक्रमण के कारण, हम लोग रेगुलर हटाएंगे। और अभी हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं, शेड्यूल निकाले हैं कि सप्ते में कसम 4 दिन हम लोग यहाँ आएंगे, खुद से आएंगे, SDM साहब और मेरे स्तर से आया जाएगा, इसके बाद नगर निगम के लोग रहेंगे, ट्रैफिक के भी ऑफिसर्स और बल रहेंगे और जिसको जिस धारा का जो उल्लंघन करेगा उस धारा के तहत उसको फाइन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो सीजर भी किया जाएगा और इसके अलावे भी यदि लोग नहीं मानेंगे तो FIR भी किया जाएगा और अतिक्रमण संबंधी केस लाएगा। भागलपुर सिटी से नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।